नमस्ते छात्रों, हम आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। आज हम देख रहे हैं संत मीराबाई की रचना गिरिधर नागर, इसकी घटक कसौटी, साथ में भाषा अध्ययन, व्याकरण, रचना विभाग में गद्य आकलन और विज्ञापन। इस तरह की घटक कसौटियाँ हमने इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र की भी बनाई हैं। इनकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वह एक बार आप अवश्य देख लीजिए। चलो घटक कसौटी को शुरू करते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकों के लिए देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई से लेकर, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। लोक भारती पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर यह पद्यांश है। देख, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं 2 अंकों के लिए। कृति 2, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए। देखो क्या पूछा है, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। निकट, दूसरा साजन। बोर्ड परीक्षा के अंदर इन सभी के जवाब आपको कैसे लिखना है वह आगे देखने वाले हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए 1 अंकों के लिए। एक दासी, दूसरा गोपाल। सरल अर्थ, पद्यांश की 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए 2 अंकों के लिए। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए 6 अंकों के लिए। हरि बिन कुन गति मेरी से दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। यह भी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 पर है पंक्तियां। देखो आकृति पूर्ण कीजिए 2 अंकों के लिए। एक, ये मीरा के प्रतिपालक है। दूसरा, कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है। तीसरा, मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है। चौथा, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है। आगे शब्द संपदा 2 अंकों के लिए। एक, पद्यांश में आए इस कठिन शब्द के अर्थ लिखिए। बेर बेर चेरी। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विष और अंत। सरल अर्थ 2 अंकों के लिए। पद्यांश की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसके बाद छात्रों, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 4 अंकों के लिए। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए 1 अंक के लिए। पढ़ना, करना, जीतना। निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए 2 अंकों के लिए। एक, आप छत पर क्या करते हैं, अपूर्ण भूतकाल में करना है। मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, पूर्ण वर्तमान काल में। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटकर लिखिए 1 अंक के लिए। यह कुर्सी दीवार की तरफ खिसका दो। दूसरा, हम समय पर स्टेशन पहुंच गए। आगे छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन कहते हैं। देखो
गद्यांश पढ़कर ऐसे चार प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो, चार अंक के लिए। गद्यांश एक बार अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और आगे के सेक्शन में हम इनके जवाब कैसे लिखना है ये देखने वाले। सबसे पहले और एक बार विनती, अगर हमारी मेहनत, हमारे टीम की मेहनत आपको अच्छी लगी तो चैनल को, अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो इनके जवाब कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे तैयार करना है वह आगे देखें। यह है उसका, देखो ये भी और यह। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए, कैसा चाहिए? शैक्षणिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा और संपर्क, इन मुद्दों को एक जगह लेकर आपको एक अच्छा विज्ञापन बनाना है। वह विज्ञापन आपको कैसे बनाना है हम आगे देखने वाले। छात्रों एक बार अच्छी तरह से पूरी घटक कसौटी देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम इनके जवाब बोर्ड परीक्षा के अंदर कैसे लिखना है और ज्यादा से ज्यादा अंक आपको कैसे लेना है वो। देखो पद्यांश लिया था हमने, ये इसका जवाब देखिए। कन्हैया की विशेषताएं, गिरी को धारण करने वाले, दो गायों के पालक, तीसरा सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, चौथा भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। आगे पद्यांश में इस अर्थ के शब्द, निकट पास, साजन पति। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, जैसे दासी स्त्रीलिंग है, गोपाल यह पुल्लिंग है। पद्यांश के किन्हीं चार पंक्तियों का भावार्थ, देखो यह चार पंक्तियां हमने लिखी, अब देखो इसका भावार्थ। देखो गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है, यह कौन कह रहा है? संत मीराबाई। इनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। दूसरा पदेश ये लिया था हमने, आकृति पूर्ण कीजिए। देखो एक ये मीरा के प्रतिपालक है, कौन है? कृष्ण। कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है, किनको? मीरा जी को। मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है लालसा, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है नौका। आगे देखो पद्यांश में आए इस कठिन शब्द के अर्थ, देखो बेर बेर यानी बार बार, चेरी यानी दासी, विरुद्धार्थी शब्द विष अमृत, अंत आदि। चार पंक्तियों का भावार्थ देखिए, देखो अब इसका भावार्थ, हे हरि आपके बिना मेरा कौन है? मीरा जी क्या कह रही है? हे हरि आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूं, मैं रात दिन
हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की यह तीव्र लालसा है। भाषा अध्ययन, प्रथम प्रेरणार्थ, द्वितीय प्रेरणार्थ। देखो, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना, जीतना, जिताना, जितवाना। काल परिवर्तन क्या दिया था? आप छत पर क्या करते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। उत्तर देखिए, आप छत पर क्या कर रहे थे? दूसरा, मेरी गाड़ी तो बिक जाती है। पूर्ण वर्तमान काल में, मेरी गाड़ी तो बिक गई है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। यह कुर्सी दीवार की तरफ खिसका दो। उत्तर, सहायक क्रिया कौन सी है? दो, दो यानी देना। हम समय पर स्टेशन पहुंच गए। गए यानी जाना। रचना देखो, गद्यांश पढ़कर चार प्रश्न तैयार कीजिए। छात्र, जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो वह गद्यांश एक बार अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और उसके बाद एक एक वाक्य के प्रश्न तैयार कीजिए। जैसे कैसे पढ़ना है, एक सैंपल दिखाऊं। आजादी के बाद भी हमारी शिक्षा नीति या शिक्षा के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई का एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि विद्यालयों से जब बाहर निकलो तो नौकरी के लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर तक भटकते रहो। देखो, पढ़ाई लिखाई का एकमात्र उद्देश्य क्या रहा, यह भी बन सकता है। देखो, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मानव बनाने का है। देखो, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस तरह के प्रश्न आप इस पर बना सकते हो। गद्यांश का आगे का भाग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखो, यह भी है, यह भी। अब देखो इसके प्रश्न जो बनाए हमने। एक, हमारी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? दो, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तीन, मनुष्य के लिए निकम्मी शिक्षा कौन सी है? और चार, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन की जरूरत है? देखो, विज्ञापन, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए। देख, विज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण होता है वह उसका शीर्षक। क्या है? सुरक्षा रक्षक चाहिए एटीएम के लिए। एक हट्टा कट्टा स्वस्थ जिसकी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच हो, शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं, कार्य का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, वेतन अनुभव और योग्यता के अनुसार। संपर्क करें ओम एटीएम सर्विस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस तरह से आप अपना विज्ञापन अच्छे से अच्छा बना सकते हो जिससे बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। इस तरह के घटक कसौटियाँ हमने इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र की भी हमने बनाई है। उनकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वह एक बार अवश्य देख लीजिए। चलते मिलते हैं अगली घटक कसौटी में। धन्यवाद।